नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे इसकी बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की। सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट इनकम की, 1,666 करोड़ इस क्वार्टर में नंबर रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 1,590 करोड़ से बढ़कर 1,666 करोड़ हो गया है, और साल दर साल अगर आप देखेंगे 1,298 करोड़ से बढ़कर 1,666 करोड़। तो यहाँ पे जो नंबर है वो डेफिनेटली आपको अच्छे देखने को मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम आई है 1,707 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,637 करोड़ और लास्ट ईयर 1,411 करोड़ के आसपास थी। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है इन कंपनियों के लिए इंपेयरमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट राइट ऑफ का, वो इस क्वार्टर में नंबर आ रहा है 60 करोड़ के आसपास का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 144 करोड़, यानी कि यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 48 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ का नंबर, तो 12 करोड़ की मार्जिनल इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ठीक ठाक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंस 1,261 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो किस तरीके का प्रॉफिट का नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा इस बार का आता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी का, वो आता हुआ दिख रहा है 347 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ के आसपास का था। तो कहने का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 280 करोड़ से बढ़ के 347 करोड़ हो रहा है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 234 करोड़ का नंबर था, वहां से बढ़कर 347 करोड़, यानी कि एक शानदार बढ़त जो है साल दर साल के लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो होती हुई दिखाई दे रही है। ईपीएस भी अगर आप इस क्वार्टर की देखेंगे 13.64 रुपए की ईपीएस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 14 रुपए के आसपास की थी और पिछले साल ये 12 रुपए के आसपास की थी। तो कहने के साल दर साल ईपीएस बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक प्राइस किस तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक जो है पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही शानदार रनअप लेता हुआ दिखाई दिया निचले लेवल से। अगर आप देख रहे हैं अप्रैल के आसपास मिड में ये स्टॉक 400 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा था, वहां से अभी 672 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे तो 630, 635 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, उसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों के एक हाईएस्ट लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। 2022 के बाद से कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे आपको एक हाईएस्ट लेवल देखने मिल रहे हैं। जब कोरोना का क्रैश हुआ था और उसके बाद जब रिकवरी आई थी तो कहने के 900 रुपए तक के लेवल से इस स्टॉक में देखने मिले थे। उसके बाद एक करेक्शन हुआ था, 300 सवा 300 रुपए तक ये स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे 1/3 हो गया था, लेकिन निचले लेवल से लगभग अगर आप देख रहे हैं तो अब डबल से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगला जो लेवल है 700, 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर इसी तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम चलता हुआ दिखता है तो। आज भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी नतीजों के बाद 3-4% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट पे भी देख रहे हैं, 10 मिनट चार्ट पे भी, तो किस तरीके का मोमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो आप देखेंगे नतीजों के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। पिछले 10-20 मिनटों में जब से नतीजे आए तब से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनता हुआ और दिख रहा है, ये कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार यहाँ पे कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।